17 फरवरी को भोपाल पहुंच रहे वित्त आयोग के सामने पेश करने के लिए भाजपा ने मांगों की सूची तैयार कर ली है। 14वें वित्त आयोग के लिए प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष प्रस्तुत होना है। भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को 13वें वित्त आयोग में जो राशि मिली थी उसका बेहतर उपयोग हुआ है। 14वें वित्त आयोग में युवाओं से लेकर महिला, आदिवासी, स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यकता अनुसार एंगल को ध्यान में रखकर वित्त आयोग के सामने सूची पेश करेंगे। देखो, युवाओं की आज हमेशा से बहुत आवश्यकता है, परंतु वो संसद है, वहाँ अनुभव की जरूरत भी पड़ती है। तो हम अनुभव और युवा का तालमेल करने वाले हैं। इस बार 29 जो चेहरे आएंगे उसको देखकर पूरा देश कहेगा कि मध्य प्रदेश ने एक बेहतर तालमेल प्रस्तुत किया। तो मुझको लगता है कि जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, वैसे ही हम प्रत्याशी की घोषणा करने के लायक रहेंगे, हम इतनी तैयारी में रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के तहत भाजपा में चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक फरवरी माह के अंत या मार्च के शुरुआती सप्ताह में होने की संभावना है। इसके अलावा पार्टी के जो भी कार्यक्रम है उनकी जानकारी माह के अंत तक प्राप्त हो जाएगी। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने पत्रकारों की बैठक में कहा था कि जितने तरह की जानकारियां हमें प्राप्त होना है, इस माह के अंत में सभी तरह की जानकारियां और जो अभ्यास वर्ग होने वाले हैं प्रदेश के विधानसभाओं के, वो पूरे हो जाएंगे। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डेनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।